हेलो दोस्तों, ऋषभ सरप्राइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पर्व है गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी का। तो सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्या मौर्या साथियों। और ये पर्व खासकर महाराष्ट्र मुंबई का है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में गणेश महोत्सव, गणेश की मनाई जाती है। तो आज हम प्रयागराज में हैं, प्रयागराज से मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए प्रयागराज में किस तरह गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है ये आपको आज दिखाने वाले हैं। आज हमारे साथी होने वाले प्रयागवासी, जो इससे पहले जन्माष्टमी में भी हमारे साथ थे। अगर जन्माष्टमी वाला ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना, बहुत अच्छा हमने कवर किया था। उसी तरह आज हम गणेश जी को, गणेश पर्व को कवर करने वाले हैं। दोस्तों हम फिलहाल मुट्ठीगंज पे हैं, तो मुट्ठीगंज में हम आपको दिखाते हैं एक गणेश प्रतिमा और एक पंडाल। लोकेशन पे है, हम इधर से आए हैं और जाना किधर है, इधर सामने आप देख रहे हैं गणेश जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा। आइए आपको पास से दिखाते हैं। हम आ चुके हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुट्ठीगंज से निकल के हम आ चुके हैं कीड़गंज थाने के सामने, एक बहुत गली के अंदर एक बहुत प्यारी मूर्ति सजी हुई मंदिर के अंदर। तो चलिए आइए दर्शन कराते हैं आपको कीड़गंज थाने के सामने गणेश प्रतिमा। इस रास्ते से हम आए हैं दोस्तों, और ये एक मंदिर है हरिहर बाबा प्रयागराज। आप देख रहे हो सजावट, सामने गणपति बप्पा है। तो आइए अंदर चलते हैं, देर की बात की, आइए आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। बैराना के पास बहुत प्यारी पंडाल सजा हुआ है, बैकग्राउंड में आप म्यूजिक सुन रहे होंगे तो पूजा हो रही है। आइए आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के पंडाल का और यहाँ के गणेश जी का। इधर से हम आए हुए हैं, ये आपका मेन रोड है, आगे जाएंगे तो और सामने हमारे पंडाल सजा हुआ है। देर किस बात की दोस्तों, आइए अंदर चले। और प्रयागवासी भाई कुछ बनाया बनाएंगे, पिछली बार प्रयागवासी ने बहुत बुरा धोखा दिया था, इसने बनाया था, रील वील डाला नहीं, बहुत हरामी पीस है। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों फाइनली बैराना से निकल के हम लोग कटरा के रास्ते होते हुए ममफोड़ गांव आ चुके हैं। प्रयागवासी भाई का आज सारा प्लान होने वाला है, जन्माष्टमी में मैंने इनको घुमाया था, तो आज गणेश चतुर्थी में हमारी डील हुई थी कि ये मुझे घुमा रहे हैं। तो इससे पहले जो छोटी सी क्लिप आपने देखी वो कटरा चौराहे पे एक छोटी सी बहुत प्यारी मनमोहक मूर्ति थी, उसे हमने कवर किया, और ममफोड़गंज में हम फाइनली आ चुके हैं। आइए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पंडाल सजा हुआ है, तो अंदर चलते हैं, वहां पे आपको दर्शन कर देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा पार्क है, उसके सजा हुआ है पंडाल। तो आइए, गाना बज रहा है, अगले बरस आना है, आना ही होगा।
सच बताओ भैया कैसा लग रहा है, सही बताओ कैसा लगा यार? क्या बात है, यहाँ की जो वाइब है ना, एक बार जो आएगा वही फील कर पाएगा। बिल्कुल, तो इसके लिए आप आ जाइए निगम चौराहा फटाफट, ममफोड़गंज निगम चौराहे के पास एक बड़ा सा पार्क है, वहाँ पे सजा हुआ है। निगम चौराहे पे पहुँचते ही आपको आवाज आने लगेगी, तो आप आराम से आ सकते हैं, जरूर दर्शन करिए। अभी ये टूर खत्म नहीं हुआ है, हम लोग कहीं और भी चलने वाले हैं, तो लोकेशन पे पहुँच के मैं वहाँ के बारे में आपको बताऊंगा। गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों हर जगह से पहुंच के हम आ चुके हैं जॉनसिंहगंज, और ये हमारा प्लान में नहीं था, लेकिन अचानक से हमें एक बहुत प्यारी प्रतिमा देखी जॉनसिंहगंज में। जब आप जॉनसिंहगंज चौराहे से रामबाग की तरफ आएंगे, विवेकानंद मार्ग पे एक रास्ते में आपको ये मिल जाएगा, बाहर बहुत अच्छा सजा हुआ है और ये ऑन द वे है, आप रास्ते में चलते हुए भी इसे दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत प्यारी प्रतिमा, सामने से हम आए हैं और इधर से भी रास्ता है और हमें ये सामने गणपति बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। तो आइए पास चल के आपको दर्शन कराते हैं गणपति जी के, और सब लोग एक बार बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों ये था आज का प्रयागराज का हमारा गणेश चतुर्थी का उत्सव, आई होप आपको पसंद आया होगा, गणेश जी के दर्शन करके मजा आ गया होगा और आशीर्वाद आप सभी को मिला होगा। तो देर किस बात की, लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ दर्शन करने, और इसी तरह के नए नए ब्लॉग में मैं फिर लाता रहूंगा। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, और लास्ट में गणपति बप्पा मोरया।